नमस्कार। राष्ट्र समाचार की ओर से आप सभी भारतवासियों को आज़ादी के 75वें वर्ष की शुभकामनाएं। भारत माता का आशीर्वाद हमेशा पूरे भारत पर रहे, भारतवासियों के ऊपर रहे। भारत माता की जय। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता बीते कुछ दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं को घर और दफ्तर जाकर उन्हें तिरंगा भेंट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल समेत कुछ अन्य कार्यकर्ता आरएसएस के अर्चना कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने संघ की तरफ से मौजूद रहे श्री ईश्वर सिंह हिंदुजा को तिरंगा भेंट किया। संघ कार्यालय पर कांग्रेस की तरफ से भेंट किया गया तिरंगा सहर शिवस्था सम्मान स्वीकार किया गया। वहीं दूसरी ओर संघ कार्यालय की ओर से भी कांग्रेसियों को तिरंगा भेंट किया गया और कुछ पुस्तकें और दीपक भेंट किए गए। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह हिंदुजा ने कहा कि संघ किसी से परहेज नहीं करता है, वह सभी का समावेश करता है। सभी मिलकर काम करेंगे तभी भारत फिर से विश्व गुरु बन पाएगा। उन्होंने प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी पर कांग्रेसियों को कार्यालय पर आमंत्रित किया और कहा कि यहां होने वाले सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लें। एक चिकन और हाथ लगवा लो ना, हाथ लगवा लो। दिवस के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया था उनके अध्यक्ष महोदय ने कि हम जो है आपको ध्वज प्रदान करना चाहते हैं। तो हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ध्वज प्रदान करना, राष्ट्रीय ध्वज प्रदान करना है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने उनको यहाँ पर 9 बजे यहाँ पर आए, सब लोग मिलकर काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्तालाप हुआ, ध्वज का आदान प्रदान किया, उन्होंने भी ध्वज दिया हमको, हमने भी ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का उनको दिया। और इस प्रकार से हमने उनको बताया कि भाई यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो भी नियम के अनुसार, जिसका जो ध्वज फहराने का जो नियम है उसके अनुसार हर वर्ष प्रति वर्षानुसार यहाँ पर और ये कार्यक्रम होता है। और हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि आप भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर आइए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल कीजिए, क्योंकि संघ जो है किसी से भी परहेज नहीं रखता है, किसी भी पार्टी से, किसी भी सामाजिक संस्था से, किसी भी सांस्कृतिक संस्था से, वो तो सभी का समावेश चाहता है। सब लोग साथ में मिलकर काम करें और सब लोग साथ में मिलकर इस भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएं, ये चाहता है। तो ये हमने उनको निवेदन किया कि आप भी इसमें आ सकते हैं। और हमने उनको 2 पुस्तकें भी भेंट करी तथा कुछ दीपक भी भेंट किए, क्योंकि 14 तारीख को रात्रि को 7:30 बजे पूरे इंदौर में हमारा एक समिति बनी है, स्वराज्य महोत्सव समिति, उसके द्वारा हर एक घर में 5-5 दीपक, प्रति परिवार के अंदर 5-5 दीपक जलाने का कार्यक्रम रखा है। तो हमने उनको दीपक भी दिए तथा 2 पुस्तकें दी। वो पुस्तकें यानी स्वातंत्र समर में, स्वातंत्र संग्राम में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या योगदान रहा, इस प्रकार की उनको 2 पुस्तकें भेंट की। और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, अति भव्य कार्यक्रम हुआ और उसमें बड़ा सबको आनंद आया। 75वीं वर्षगांठ इस भारत देश की आज़ादी की चल रही थी, उसके अंतर्गत शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल से लेकर सबको तिरंगा झंडा वितरित देने जा रहे थे, चाहे उसमें महापौर हो चाहे सांसद हो। आज हम अर्चना कार्यालय शेख कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर देने आए थे, हमने तिरंगा उनको भेंट किया, अर्चना कार्यालय से हमें भी तिरंगा भेंट किया, हमारा मान सम्मान किया गया, साथ में मिलजुल कर बात करी गई। और ये 15 अगस्त को सभी मिलजुल कर ये राष्ट्रीय पर्व तिरंगा झंडा लहराया।